एक स्टेज पे भी खेसारी लाल यादव ने डिंपल सिंह का अपमान किया। मुझे इस बारे में बहुत नॉलेज नहीं है कि हमारा नाम पवन जी में पवन दोनों भाई हैं, आप वहाँ रहिए मेरे पास रहिए, हम दोनों सर्विस बराबर देंगे। अरे तो कमर के कमाई खा के हो गई लू राजा, ये गाना अभी बज रहा है मार्केट में, तो आप लोग ऐसे ही ऐसी बात कर बना रहे। भैया खेसारी लाल यादव का भी कौन सा अवार्ड मिले, क्या उम्मीद आप लगाए हैं? अरे खेसारी लाल यादव को अब जो भी अवार्ड मिले, मुझे लगता है आप लोग के नजर में वो बेस्ट है, तो बेस्ट ही अवार्ड मिलेगा। जो बजने वाले हैं जो भी बजेगा, भोजपुरी का गाना बजना चाहिए, हमारे एल्बम का गाना बजना चाहिए, हम लोग खुश हैं। आपके गाने कोई नॉमिनेट है क्या? मुझे इस अवार्ड शो के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, पंकज भैया का भाई भैया का फोन आया था कि आपको आना, तो हम लोग आ गए। थैंक यू सो मच। अगर हमारे गाने नॉमिनेट है और अगर एल्बम की बात की जाए, एल्बम का अवार्ड शो हो रहा है, तो मुझे इस चीज में संशय कहीं से नहीं है कि हमारा गाना नॉमिनेट नहीं होगा। क्या कहर दिखेगा, इतने बजा है गाने, इतने बजे, अगर एल्बम की बात की जाए तो जो भी बजेगा, भोजपुरी का गाना बजना चाहिए, हमारे एल्बम का गाना बजना चाहिए, हम लोग खुश हैं। अरे तो कमर के कमाई खा के हो गई लू राजा, ये गाना अभी बज रहा है मार्केट में, तो आप लोग ऐसे ही ऐसी बात कर बना रहे। भैया खेसारी लाल यादव का भी कौन सा अवार्ड मिले, क्या उम्मीद आप लगाए हैं? अरे खेसारी लाल यादव को अब जो भी अवार्ड मिले, मुझे लगता है आप लोग के नजर में वो बेस्ट है, तो बेस्ट ही अवार्ड मिलेगा जो चीज अभी मिले। एक स्टेज पे फिर पावर स्टार और ट्रेंडिंग दबंग स्टार एक साथ, क्या स्टेज मिलेगा? ऐसे बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब में भाईचारा बना है और जितने भी भोजपुरी के हमारे कलाकार हैं, सब लोग भाई भाई हैं और हम लोग काम कर रहे हैं जी। बाबा मैं चाहूँगा कि थोड़ा दो लाइन, लगता है कि लहंगा लखनऊ वाला भी बजने वाला संभावना है। कोई भी बजे हम आपको बता ही दिए, हमें आइडिया नहीं है कौन बजेगा क्या बजेगा, लेकिन जो भी बजेगा हमारे भोजपुरी के लिए बहुत बढ़िया। जी के कितने गाने पे डांस करने वाले आज?